श्री स्वामी समर्थ श्री कृष्ण। चलो तो हम कहानी शुरू करते हैं। आध्यात्मिक हिंदी कहानी है, क्या सचमुच आत्मा होती है क्या नहीं, क्या सचमुच आत्मा होती है क्या नहीं। तो शुरू करते हैं हम कहानी। आध्यात्मिक कहानी है। प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में एक दिन की भ्रांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का एक श्लोक बोला, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहन्ति पावक न चैन कल्पे ततो न शोषयति मारुत्य। अर्थात आत्मा को न शस्त्र से छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी विनाश भी नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है तो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए बोले, पुत्र आज तुम रसोई घर में कटोरा दूध ले आना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कौन इसी समय यह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात की फट गया, लेकिन इसका मेरा प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले आना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उबेक हेतु है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, यह अभी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इस प्रकार यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो बताया कि दही में खटास आ चुकी भी है और कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई में एक कटोरा घी लेकर जाना और तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतने पर भी घी खराब नहीं हुआ। शिष्य रोज खाली हाथ गुरु की समक्ष उपस्थित होता। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछा, गुरुवर मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है तो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस पर गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वास्तव मैं यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कह रहा था। देखो, दूध दही और घी सब कुछ दूध का हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही दो दिन में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें भी तो घी दिखती है, पर आत्मा क्यों नहीं दिखती? शिष्य गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर उसे मक्खन बदलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घुटो पिघला जाता है तब जाकर घी बनता है। इस प्रकार आत्मा का दर्शन आत्मा यानी आत्मदर्शन पर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म में मदनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा मदना होती है और इस फिर सालों तक साधना और तपस्या की आज पर इसे तपाया जाता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव पाता है। शिष्य, गुरुजी इस बात अच्छी तरह से मैं समझ गया हूँ। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए, आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया।